अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैथ की टीचर मिस महनूर। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेंट फॉर्म का। एक्सपेंडेंट फॉर्म क्या है, इसको किस तरह से राइट किया जाता है। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है पेज नंबर 14 से। पेज नंबर 14 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा राइट इन एक्सपेंडेंट फॉर्म। हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, उसे हमने एक्सपेंडेंट फॉर्म में राइट करना है। आपको एक एग्जांपल दी गई है, 5,26,49,032। आपने इसको एक्सपेंड करके लिखना है, यानी खोल के लिखना है। क्या करेंगे, फाइव लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू है हमारी करोड़। 5 करोड़ में कितने डिजिट्स होते हैं, कैसे लिखेंगे? 5 करोड़ में हमारे 7 जीरोज़ होते हैं। आपके पास जितने डिजिट्स होंगे आपने उतने जीरोज यहाँ राइट करने हैं। नेक्स्ट है आपका 26 का सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद जितने जीरोज होंगे आपने उतने जीरो राइट करने हैं। देन आ गया आपका 6 के बाद जितने जीरोज होंगे आपने उतने जीरो राइट करने हैं। फिर आपने क्या करना है, 6 के बाद आपकी जितनी वैल्यूज भी हैं आपने उसको राइट करना है और उसकी वैल्यूज को लिखना है, और जितने जीरोज होंगे आप वो जीरोज लिखेंगे और सेंटर में आप प्लस का साइन डालेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है 6,18,30,596। क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, 6 के बाद जितने भी जीरोज होंगे जीरोज लगाएंगे। देन क्या करेंगे, 6,18,18 का सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1,1,80,000। वन करोड़ 80,000 यानी 18,30,000। ज़ीरो जो है आपका वो हमारा ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि अगर हम मज़ीद इसके साथ 3 जीरोस लगाते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ज़ीरो हमारी वैल्यूज़ को ना तो इंक्रीज़ करती हैं ना ही डिक्रीज़ करती हैं। अगर हम ज़ीरो सेपरेटली नहीं लगाते, अगर उसको किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो कोई वैल्यू पे हमारी इफेक्ट नहीं आता। तो क्या करेंगे, 0 हम एज इट इज़ लिख देंगे। देन आपका 5 के बाद कितने बाद कितनी डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़, 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़, और सेंटर में आपका साइन प्लस का। क्या बनता है आपका, 6,18,30,596। नेक्स्ट है आपका 5,94,03,075। क्या करेंगे, 5,90,40,000। क्या करेंगे, 5 करोड़, 5 के बाद जितने जीरोज हैं वो लगाएंगे, प्लस करेंगे, 9 लिखेंगे, 9 के बाद हमारे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोज लगाएंगे, ऐड करेंगे, 4 लिखेंगे, 4 के बाद जितने डिजिट्स हैं हमारे उतने जीरोज लगाएंगे, ऐड करेंगे। ज़ीरो जो है हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हमारे ज़ीरो कोई डिजिट अगर हम ऐड करते हैं ज़ीरो में तो कोई इफेक्ट नहीं होता, ज़ीरो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। देन 3 के बाद हमारे 3 डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो, प्लस 0 प्लस 70 प्लस 5। क्या हमारी वैल्यू बनती है, ये 5,94,03,075। नेक्स्ट है हमारी 7,05,12,847। इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, 7,05,12,847। 7 करोड़, 7 के बाद जितने डिजिट भी हैं उतने ज़ीरो, प्लस 0 एज इट इज़। 5 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो, प्लस 1 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो, एंड सो ऑन आपकी वैल्यूज चलती जाएंगी। नेक्स्ट है आपका 3,42,1,42,1,690। क्या वैल्यू है आपकी, 3,42,1,690। इसको लिखेंगे, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, एंड बाकी ये 2 क्वेश्चंस भी आप खुद सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस लेक्चर को आपने अच्छे से 2 से 3 बार सुनना है, इसको समझना है, और फिर आपने बाकी क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। कुछ समझ नहीं आती इस लेक्चर के हवाले से तो ज़रूर पूछें।
आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा और स्टूडेंट इस लेक्चर के हवाले से आपको एक क्विज भी दिया जाएगा। वो क्विज आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपने लेक्चर नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले इस लेक्चर को सुने, इसको समझें और फिर उस क्विज को सॉल्व करें। उस क्विज की टाइमिंग नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे की है। वो क्विज आपको अगले दिन सुबह 9 बजे आएगा। आपने सबसे पहले उस क्विज को देखना है, अपने लेक्चर को रिमाइंड करना है, देन उस क्विज को सॉल्व करना है। थैंक यू।